हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स दूंगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक्स एंड इस कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो या प्रेशर हो या मास हो या मोल्स हो, जो भी वेरिएबल हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितने भी हैं, ध्यान दें, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टाइम के साथ वेरिएशन स्टॉप हो गया है तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, राइट? इसलिए ग्राफ से भी समझते हैं। पॉइंट नंबर टू में ये जो इस टाइप से है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स बाई वॉल्यूम, डेट इज नथिंग बट मोलारिटी। जरूरी नहीं है कि आप कंसंट्रेशन ही लो, प्रेशर ले सकते हैं, मास ले सकते हैं, मोल्स ले सकते हैं, बट हम कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में डील करेंगे इस चैप्टर में, राइट? तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, चूँकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होंगे तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ये एक टाइम है, इस टाइम के बाद दोनों का वेरिएशन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। डैट मीन्स अगर इस टाइम के बाद मैं कहीं पर भी जाऊँ तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम आ रहा है जो पहले था, राइट? तो टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन का वेरिएशन नहीं हो रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, अगेन टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, बट टाइम के साथ वेरिएशन, एक टाइम के बाद वेरिएशन रुक जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चे जो गलत सेंस ले लेते हैं इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इक्वल हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्री पे, राइट? इसलिए कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल, वो तो डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्री पे, बट द कंडीशन इज कि टाइम के साथ ये सब अब वेरी होना बंद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है, और उस टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे, उस कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर को इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? इसीलिए इक्विलिब्रियम पे हम ये कह सकते हैं कि जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन की, वही रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही होती हैं, जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कभी भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन हो रही होती हैं, बट जिस रेट से वो आगे जा रही होती हैं उसी रेट से पीछे आ रही होती हैं, इसलिए हमें चेंज नहीं दिखता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट? और इसलिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो ये एक रिएक्शन है हमारे पास, 2A प्लस 3B गिव्स यू 4C प्लस 5D, ये इन जनरल एक रिएक्शन लिया, तो अगर मैं इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट लिखूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका कंसंट्रेशन और पावर में उसका स्टोइकोमेट्री चला जाएगा, पावर में उसका स्टोइकोमेट्री, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट हो गए। वैसे ही बैकवर्ड का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और जो प्रोडक्ट होंगे वो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रहेगा और पावर में स्टोइकोमेट्री चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए इन जनरल वी कैन से जो फॉरवर्ड रेट होगी वो रेट कांस्टेंट, और जो भी रिएक्टेंट होंगे उसके कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्री, और बैकवर्ड रेट में रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का और प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्री, राइट? अगर सारे होमोजीनियस हैं तो सब आएंगे, हेटरोजीनियस में सिर्फ गैस वाला आएगा, अगर गैस नहीं है तब लिक्विड आएंगे, राइट? तो वो पॉइंट भी हम आगे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है एक पॉइंट, कि इक्विलिब्रियम की बात आप तभी कर सकते हो जब आपका कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर मेरा कंटेनर क्लोज है तभी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम, राइट? नाउ कोई भी रिएक्शन अगर हमें गिवन हो तो उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो। आप इसको तीन टर्म में बता सकते हो, कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, अगर मैं ए का कंसंट्रेशन निकालूं तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। वैसे ही पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे क्या मतलब है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, राइट? दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर मतलब उस गैस का खुद का प्रेशर, राइट? वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, उसके मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये सभी को मालूम रहता है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी बता रहा है कि
कंसंट्रेशन के टर्म में। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके कंसंट्रेशन को पावर स्टॉइकोमेट्रिक कर देना है, और ये सब प्रोडक्ट में रहेंगे, डेट मीन्स इनटू में रहेंगे, एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है तो। वैसे ही नीचे में रिएक्टेंट सारे रहेंगे और हर रिएक्टेंट पे पावर उसका स्टॉइकोमेट्री रहेगा, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो अगेन इनटू में चलेगा, मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। सेम वैसे ही अगर मुझे केपी लिखना हो तो ऊपर में अगेन जो प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट का होगा और पावर में उसका स्टॉइकोमेट्री रहेगा, नीचे में रिएक्टेंट होंगे, पावर स्टॉइकोमेट्री सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर आ जाएंगे, और इसलिए इसको केपी बोलेंगे। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पी बता रहा है कि प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, सी बता रहा है कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स बता रहा है मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। तो अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, राइट। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिया है, ध्यान से देखो, ये है। अगर रिएक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो सबको क्या मानना है, गैस फेज में। और इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, वो ऑलवेज डबल एरो से दिखाया जाएगा, राइट। सेकेंड थिंग, इसमें ऑलवेज एक बैलेंस रिएक्शन की गिवन होगी, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एक ये रिएक्शन लिया, और यहाँ पे ये जो ऐसे लिख करके दिखाया, इसका मतलब है ये सॉलिड है, G फॉर गैस, यहाँ पे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, या AQ लिखा हो तो उसका मतलब एक्वस, राइट। तो आपको अगर कुछ नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताया तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे, गैस, और अगर बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर रिएक्शन वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे NH3 एक प्रोडक्ट है, तो NH3 का कंसंट्रेशन और ये स्टॉइकोमेट्री पावर में आ गया। अब चूंकि और प्रोडक्ट नहीं है, अगर और प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे आता इनटू, फिर उसका कंसंट्रेशन टू द पावर स्टॉइकोमेट्री। उसके बाद प्रोडक्ट खत्म हो गया तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, N2, तो N2 का कंसंट्रेशन, चूंकि इसका नंबर वन है तो पावर वन, इसलिए हमने नहीं दिखाया। और कौन है, H2 भी एक, राइट, रिएक्टेंट में, तो इसलिए कंसंट्रेशन H2 और पावर क्या आ गया, 3। ध्यान से देखो, दोनों में बीच में क्या, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और अगर रिएक्टेंट होता तो और इनटू उसका कंसंट्रेशन टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, तो प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे समझाया, क्लियर है पॉइंट। वैसे ही अगर मैं इस रिएक्शन का केपी लिखना चाहूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएंगे, प्रेशर ऑफ NH3 हो जाएगा, पावर स्टॉइकोमेट्री, वैसे ही प्रेशर ऑफ N2 पावर 1 स्टॉइकोमेट्री, प्रेशर ऑफ H2 पावर 3 स्टॉइकोमेट्री। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो उसमें भी चेंजेस नहीं होंगे, मोल फ्रैक्शन NH3 पावर 2, मोल फ्रैक्शन N2, मोल फ्रैक्शन H2 पावर 3। प्रोडक्ट ऑलवेज ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेंगे, पावर में स्टॉइकोमेट्री चला जाएगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो इनटू करते जाना है, मल्टीप्लाई, और रिएक्टेंट में भी अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो इनटू करते जाना है, राइट। तो ये हो गया। दूसरे रिएक्शन का अगर मैं लिखूं तो चूंकि ये एक तरह से क्या है, हेटरोजीनियस है, इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, और इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर होमोजीनियस होगा, डैट मीन्स इस केस में सारे सेम फेज में था, सब गैस में है, सब लिक्विड में है, तो इन डैट केस सारे के सारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आपको दिखेंगे, सबको आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हेटरोजीनियस है, डैट मीन्स कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में, अगर डिफरेंट फेज में, तो सबसे पहले आपको गैस को लेना है, अगर उसमें कोई भी एक गैस प्रेजेंट है तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन में आएगा, बाकी को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड या सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरे हाथ में ये है, इस पे मैं कितना ही प्रेशर लगा लूँ, इसके वॉल्यूम में या इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए हेटरोजीनियस में गैस को प्रायोरिटी देंगे, अगर हमारी रिएक्शन में गैस है ही नहीं तब हम लिक्विड को प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल, ये प्रॉब्लम नंबर 2 एक तरीके से, राइट, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन का केस ही लिखना होगा तो प्रोडक्ट में सॉलिड है, नहीं लेंगे, राइट, तो नहीं लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, फिक्स है 1, सॉलिड का 1 ले लेते हैं या लिक्विड का 1 ले लेते हैं, राइट, तो 1। अब प्रोडक्ट में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में ये सॉलिड है तो इसका भी 1 तो नहीं आएगा, ये गैस है ये आएगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हेटरोजीनियस होगा, डिफरेंट फेज होंगे अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो आपके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सबसे पहले गैस वाला अगर कोई है तो वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, सॉलिड सब खत्म हो गया, सिर्फ गैस वाला ही इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में दिखेगा। अगर बाय द वे इसमें गैस भी नहीं होता, लिक्विड होता, तो फिर लिक्विड वाला सिर्फ आता, राइट। सिमिलरली केपी लिखेंगे तो 1 बाय प्रेशर ऑफ CO2 पावर 1, क्यों? क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। और मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है तो 1 बाय
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये पॉइंट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन दे दे बेटा, इससे इजी कुछ नहीं है, कोई भी रिएक्शन दे दे, आप क्विकली उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हो तीनों ही टर्म्स में। नाउ इक्विलिब्रियम रिलेशन, दैट मीन्स KC, KP और KX में रिलेशन क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, मैंने सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यू नो PV इज इक्वल टू NRT होता है। अगर मैं प्रेशर ऑफ A लिखूँ तो A मोल्स ऑफ A हो जाएगा, वॉल्यूम V बाय RT, और मोल्स ऑफ A बाई वॉल्यूम क्या हो गया, कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू RT। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, कंसनट्रेशन इंटू RT। तो ये कम आएगा। वैसे ही पार्शल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर होता है, राइट। तो ये सभी जानते हैं। तो मैंने एक रिएक्शन लिखा है, राइट, N2 3H2 गिव्स यू 2NH3, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, राइट। तो इसका अगर मैं KC लिखूं, तो अभी बताया कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, ये KC हो जाएगा। KP लिखूंगा तो प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की पावर 3। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं KP को ऐसे लिख रहा हूं तो अगर कंसंट्रेशन में, तो यहां से कन्वर्ट कर सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT। तो मैंने वही पुट कर दिया, प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर और RT का स्क्वायर, राइट। और नीचे में भी पुट कर दिया, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 क्या हो गया, एक्चुअली में KC हो गया, राइट। तो मैंने वो पुट कर दिया KC। और यहाँ से ध्यान से देखो RT की पावर ऊपर में 2 है, नीचे में 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -2। KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर -2 आ गया, राइट। तो सिमिलरली KX का भी ध्यान से देखो, KX को कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ NH3 बाई PT। तो उसको वही मैंने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया ध्यान से देखो, KP इंटू PT की पावर 2 आ चुका है। KX इज इक्वल टू KP इंटू PT की पावर 2। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, ये 99% केस में यही यूज होता है। KP इज इक्वल टू ध्यान से देखो KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG, क्योंकि ये तो एक फिक्स रिएक्शन के लिए हमने लिया, इन जनरल कोई भी रिएक्शन हो तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। तो ध्यान से देखो KP का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये K इंटू P नहीं है। और वैसे ही KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये K इंटू C नहीं है। तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG, याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, जस्ट ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, कभी कन्फ्यूजन हो तो, इसलिए KP, राइट, K इंटू P नहीं है, जस्ट वो रिलेट किया है। KC, राइट, RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे अभी बात करता हूँ। वैसे ही KP इज इक्वल टू KX, डैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा NG। नाउ डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है, जितने भी प्रोडक्ट में होंगे गैस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको ऐड कर लेना है, माइनस रिएक्टेंट में जितने भी गैस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऐड करके माइनस कर देना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है गैस, यहाँ पे ये जी लगाने का मतलब है कि गैस का लेना है, डेल्टा एन मतलब चेंज इन स्टोइकोमेट्री। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इस केस में ध्यान से देखो डेल्टा NG कैसे निकलेगा, अगर मुझे डेल्टा NG निकालना हो तो ये देखो कुछ नहीं मेंशन है तो सब गैस है, राइट। तो प्रोडक्ट का लेना है स्टोइकोमेट्री 2 माइनस रिएक्टेंट में ये 3 और ये 1 4, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, जिस साइन के साथ आए वही। तो ध्यान से देखो इसलिए ये -2 हुआ था, राइट। जैसे इस रिएक्शन में अगर मुझे निकालना हो तो ध्यान से देखो ये सॉलिड है तो इसका कुछ नहीं लेना है, गैस है इसका लेना पड़ेगा, ये गैस है लेना पड़ेगा, ये लिक्विड है इसका कुछ नहीं लेना है। तो इसका डेल्टा NG अगर आपसे कोई पूछ लिया तो वेरी सिंपल, पहले प्रोडक्ट में तो इसका कुछ नहीं लेना है तो इसका सिर्फ 2 होगा, प्रोडक्ट का सब हो गया ऐड करके तो उसके बाद माइनस, उसके बाद रिएक्टेंट का, तो ये गैस है तो ये 3, ये सॉलिड है नहीं लेना है, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, राइट। तो इस टाइप से करना, जो साइन के साथ है वही पुट कर देना है पावर में, राइट। सिमिलरली मान लो इस केस में अगर मुझे डेल्टा NG निकालना हो तो ध्यान से देखो सॉलिड है प्रोडक्ट में, कुछ नहीं लेंगे तो कुछ नहीं है इधर प्रोडक्ट में तो मतलब 0, राइट। माइनस रिएक्टेंट में जाओ तो ये सॉलिड है नहीं लेंगे, गैस का है, और इधर स्टोइकोमेट्री कितना है 1, ध्यान रहे स्टोइकोमेट्री लेना है तो ये 1, तो ये भी बाय द वे कितना रहा है -1।
तो आई होप डेल्टा एनजी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टॉकोमेट्री प्रोडक्ट के होंगे गैस वाले उन सबको ऐड कर लेना है, और वैसे ही जो भी स्टॉकोमेट्री रिएक्टेंट के होंगे गैस वाले उन सबको ऐड कर लेना है और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना, वो डेल्टा एनजी हो जाएगा। वो पावर में चला देना तो के पी के सी में रिलेशन हो जाएगा या के पी के एक्स में। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। नाउ नेक्स्ट, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ए गिव्स यू बी प्लस सी है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ प्लस दिखते हैं तो यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं। बेटा यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे इनटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये ध्यान रखना, राइट। वैसे अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स कर दूंगा तो ये लिखूंगा, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के डैश सी मानो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू सी, राइट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो रिएक्शन को आपने रिवर्स किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो गया है, इन्वर्स हो गया है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, कभी भी अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहले वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको इन्वर्स कर देना है, वन बाई में कर देना, राइट। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर ए गिव्स यू बी प्लस सी तो इसका के सी आपको मालूम है। अगर इस रिएक्शन में मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या 1/2, 1/3, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा, और इसमें इसमें क्या रिलेशन हो रहा है कि जो न्यू रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर में हो गया। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर पावर में चला जाएगा, पुराने वाले के पावर कर देना है। तो और तीसरा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो मेरे पास ये दो रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 आपको गिवन होगा, तो एक तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो बी से बी सी से सी कैंसिल हो जाएंगे तो ए गिव्स यू पी हो जाएगा, राइट। ऑलवेज इक्वल साइन इसको मानना है, अपोजिट साइड में कैंसिल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर आपने रिएक्शन को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना, और आप ये चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ऐड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तीनों पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन में ये रिएक्शन गिवेन है आपको, के पी आपको गिवेन है एट 27 डिग्री सेल्सियस और 180 प्रेशर, तो के सी बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है के पी के सी का रिलेशन, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो जाएगा, राइट। और डेल्टा एन जी अगर इसका ध्यान से देखो तो हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 1 है राइट, माइनस ये 1, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस हाफ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर को ऑलवेज कैल्विन में पुट करना है, और कैल्विन में पुट करना है तो ये 300 कैल्विन होगा, और R की वैल्यू चूँकि प्रेशर आपका ATM में है, वॉल्यूम लीटर में होगा क्योंकि कंसंट्रेशन की बात करें तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो इसलिए R की वैल्यू 0.08 लेना है, डैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/12। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, KP आपको गिवन है 2 × 10^12, KC निकालना है, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर आपका 300 है और इसकी पावर माइनस हाफ है, तो यहाँ से हमें KC आ जाएगा, ये नीचे में रहेगा तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × इसको कैंसिल करोगे तो 25 का रूट हो गया 5, तो 2 × 5 × 10^12, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10^13, तो ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी चूँकि नेगेटिव है इसलिए हमारा के सी क्या होगा, बड़ा होगा के पी से, और वो ध्यान से देखो तो आया भी है क्योंकि के सी 10^13 है जबकि ये 2 × 10^12 ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में ये सब रिएक्शन दे दिया है, K1, K2, K3 दे दिया है, और आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए और किस साइड चाहिए, NO राइट साइड में चाहिए, वो इधर ही है, H2O राइट साइड में चाहिए, बट इसका कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर में हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10^-39, ये ध्यान रखना है। NH3 मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए जबकि इधर राइट साइड में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रिवर्स करेंगे तो 1/4 × 10^5, राइट, ये हो जाएगा। चूंकि इन सबको ऐड कर रहे हैं तो K क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन, तो 1/4 × 10^5, राइट, इंटू ये K2 आपका 1.6 × 10^12, और इंटू ये 10^-39,
9, राइट। तो ये 5 और ऊपर चला जाएगा तो 39, 44 हो जाएंगे, जिसमें से 12 गया तो 32, और ये 10 इसका नीचे, और ये 4 से 4 द 16। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो सिर्फ 4 बचेगा इंटू 10 की पावर में माइनस में आपका हो जाएगा 33। तो योर आंसर विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 33। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप से रिएक्शन दे दिया आपको, Kp4 है तो प्रेशर ऑफ O2 बताना है। तो ध्यान से देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो Kp क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, तो प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ ओनली। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, Kp का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2, और यही हमें निकालना था। Kp गिवन था आपको 4, तो प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, डेट इज 16। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इस रिएक्शन का Kc गिवन है तो इस रिएक्शन का, तो ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो रिवर्स किया गया है तो 1/64, और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। इस टाइप से आपको क्विकली करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो पूछा जा रहा है रिलेशन। तो ध्यान से देखो, तो मैं अगर डेल्टा एन जी निकालूँ तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, सिर्फ इधर एक ही गैस है, राइट, स्टॉइकोमेट्री 1 माइनस, इधर में ये गैस है और स्टॉइकोमेट्री 3/2, तो ये कितना आ गया, माइनस में हाफ। चूँकि डेल्टा एन जी निगेटिव है इसलिए Kc बड़ा होगा Kp से, क्यों, क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी, राइट। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता तो Kp Kc इंटू सब मल्टीप्लीकेशन होता, इसलिए Kp बड़ा होता, चूँकि डेल्टा एन जी निगेटिव है तो इसलिए Kc बड़ा होगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो Kp Kc के बराबर है, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो Kp बड़ा है Kc से, और डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है तो Kp छोटा होगा Kc से। इस पर बेस बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत ईजी होते हैं, पूछे गए हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में हो Kc, या प्रेशर के टर्म में हो Kp, या मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो Kx, ये तीनों चीज़ तभी चेंज हो सकती है जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, या फिर रिएक्शन को ही चेंज कर दिए, डैट मीन्स स्टॉइकोमेट्री चेंज कर दिए, तभी ये चेंज होंगे। भगवान ने इसको वरदान दे रखा है तभी चेंज होना, जब टेम्परेचर चेंज किया जाए या फिर स्टॉइकोमेट्री को चेंज किया जाए, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, राइट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए 10 है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को मान लेता हूँ कि मैं 300 केल्विन पे करा रहा था तो 10 है, अब मान लो मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, 300 के अलावा कोई और टेम्परेचर है, तो फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अब Kc आपका 10 नहीं रहेगा, Kc चेंज हो जाएगा, या Kp या Kx वो चेंज हो जाएंगे। वैसे स्टॉइकोमेट्री चेंज किया तो, जैसे इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया तो अब स्टॉइकोमेट्री चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, स्टॉइकोमेट्री चेंज किया तो अगेन अब Kc आपका 10 नहीं रहेगा, चेंज हो गया होगा, और वो क्या होगा मैं आपको बता रखा हूँ। बट द थिंग इज कि अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, राइट, या वॉल्यूम चेंज कर दिया कंटेनर का, या फिर कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहा हूँ, या मास चेंज कर दिया किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, ये सब कुछ भी चेंज कर लो, राइट, कैटलिस्ट आपने ऐड कर दिया, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन सब केस में Kc 10 ही रहेगा। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझना कि आपका ये वाला पार्ट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करोगे या स्टॉइकोमेट्री चेंज करोगे, अदरवाइज कुछ भी कर लो वही रहने वाला है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो ध्यान से देखो, मैंने एक इन जनरल रिएक्शन लिया है, 2A+B गिव्स यू C+D, राइट, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको मैंने बहुत अच्छे से लिस्ट आउट किया है। ध्यान से देखो कि अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा कि सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, डैट मीन्स ए और बी के बारे में इस केस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका मास या मोल्स या प्रेशर कुछ भी या कंसंट्रेशन गिवन है, तो इन डैट केस रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड में जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी।
सिमिलरली सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता लगा, तो डेफिनेटली उस केस में रिएक्शन बैक में जाएंगी। डैट मीन्स सी और डी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी के बारे में गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैक में जाएंगी, राइट। और एक केस क्या हो सकता है कि सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए बी सी डी सबके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इन दैट केस आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर गिवन होगा, क्योंकि उसी से हमें कंपेयर करना है, उसको आइडियल पर्सन मानना है, राइट। जैसे यहाँ पे ए का 5 है, बी का 1/5 है कॉन्सेंट्रेशन, सी का 4 है, डी का 4 है, ऐसा कुछ दिया आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले रिएक्शन कोशेंट क्यों निकालेंगे, दैट इज वेरी सिमिलर टू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जैसा ही है, ओनली थिंग इज कि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे पुट कर सकते हैं और के इक्विलिब्रियम वाला सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को पुट करना होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर 1, सी पावर 1, ए का पावर 2, बी का पावर 1, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, सिर्फ आप ये वैल्यू जो गिवन होंगी सबका वो पुट कर देंगे, तो ये आ रहा है 3.2 के आसपास। इस वैल्यू को कंपेयर करना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, चूँकि ये वैल्यू लेस है, कम है, तो अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, तो इसलिए वैसे ही ध्यान में रखना है। अगर क्यू आपका के इक्विलिब्रियम से कम हो गया तो अभी आगे जाना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मान लो बाय द वे ज़्यादा आ जाता तो रिएक्शन को बैक में आना पड़ेगा, और अगर इक्वली आ जाता तो इक्विलिब्रियम पे होता। तो ये वेरी सिंपल है, आपको इस तरीके से मानना है कि ये एक पॉइंट है, दैट इज के इक्विलिब्रियम, तो अगर क्यू आपका इधर इसके पीछे ही रह गया तो अभी और आगे जाएगा तो फॉरवर्ड, अगर क्यू आगे निकल गया तो बैक में आएगा तो बैकवर्ड, और अगर क्यू यहीं पे है तो इक्विलिब्रियम पे, राइट। वेरी सिंपल है ये, तो ये तीन केसेज हो सकते हैं, राइट। दूसरा केसेज कैसा हो सकता है कि रिएक्शन आपकी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थी, उसके बाद आपने कुछ ऐड किया या कुछ सबट्रैक्ट किया है, तो वो कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। पहला कि अगर रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे था, अब हम कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंज कैसे कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर करके, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, मोल्स को चेंज कर रहे हैं, राइट, या मास को चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे इस तरीके से, तो उस केस में रफ़ी सर का एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, जिस साइड कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा उसी साइड रिएक्शन शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंसंट्रेशन डी का बढ़ा दिया तो इस साइड में प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, क्योंकि इस साइड कम हो रहा है। मान लो इधर हमने बी का ज़्यादा कर दिया तो रिएक्टेंट में ज़्यादा हो रहा है, तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, फॉरवर्ड में, जिस साइड ज़्यादा हो रहा है उसके अपोजिट साइड में, इसलिए हमने ऐसा लिखा जिस साइड कम होगा उसी साइड रिएक्शन को करना है। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैंने डी का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो इधर ही कम हो रहा है, राइट, तो प्रोडक्ट साइड में कम हो रहा है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड माना पड़ेगा, जिस साइड कमी हो रही है उस साइड आपको ले जाना रिएक्शन को। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले उस रिएक्शन का था और बाद में, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्लियर पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि अगर प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो क्या होगा, तो दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो मैं प्रेशर का कंडीशन समझा दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सब कर लेंगे। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस साइड रिएक्शन को ले जाना है जिस साइड स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम हो रहा है, और कौन सा, गैस वाला सिर्फ लेना है, सिर्फ गैस वाला कंसिडर करना है। तो आप प्रोडक्ट साइड का स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल लो, रिएक्टेंट साइड का निकाल लो, और देख लो किस साइड में कमी है, तो उस साइड आपको ले जाना है। ध्यान रहे ये डाउन एरो मतलब डिक्रीज का, बट अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो वो पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से क्या मतलब है कि पहले अगर रिएक्शन 1 atm पे हो रही थी तो अब आपने 2 atm कर दिया, 3 atm एंड सो ऑन, राइट। तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके लिए हमने सिंपल ट्रिक दिया है कि आप रिएक्टेंट साइड का स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड कर लें, और कौन सा, सिर्फ गैस वाला, चूँकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो बाय द वे सब गैस है, अगर कोई सॉलिड होता लिक्विड होता तो उसको नहीं लेते, तो अगर सब गैस है तो इसका स्टॉइकोमेट्री 1 और इसका भी 1, तो टोटल इस साइड कितना हो गया 2, और इस साइड काउंट करो 2 है और इधर 1, तो टोटल कितना है 3। ये पॉइंट का मतलब है, राइट, लिख लेंगे। प्रेशर बढ़ाने पे उस साइड जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री कम, इधर 3 है इधर 2 है, तो किस साइड कम है, इस साइड, तो रिएक्शन को इस साइड ले जाना, इस साइड मतलब फॉरवर्ड हो गया, राइट, ऐसे आपको करना है। तो एक ही पॉइंट ध्यान रखो, प्रेशर इंक्रीज कराने पे उधर ले जाना जिधर स्टॉइकोमेट्री कम, डैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज करने पे भी उधर ले जाना जिधर स्टॉइकोमेट्री कम, एंड अगर प्रेशर कम करते तो उधर ले जाते जिधर स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है।
सिमिलरली एनर्ट गैस ऐड करेंगे तो यहाँ पे एनर्ट गैस का क्या मतलब है, वो नोबल गैस तो है ही, प्लस वैसी सारी गैस जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे वो सब एनर्ट गैस की कैटेगरी में आएंगी। तो एनर्ट गैस को ऐड करने के दो तरीके हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज नो इफेक्ट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप ऐड कर दो एनर्ट गैस तो इन दैट केस रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी और किस साइड जाएंगी, जिस साइड स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा हो। अगेन स्टॉइकोमेट्री कौन सा लेना है, गैस का, तो ध्यान दें यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने पे उधर जा रहा है जिधर स्टॉइकोमेट्री कम, लेकिन एनर्ट गैस के केस में अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्ट गैस ऐड करो तो फिर उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस केस में अगर मैं एनर्ट गैस ऐड करूँ तो स्टॉइकोमेट्री इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, इधर 2 है इधर 3, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएंगी, बैकवर्ड में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करूँ तो कैटलिस्ट ऐड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे, राइट, क्यों, क्योंकि जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ती है उसी रेट से बैकवर्ड में भी, इसलिए नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं। तो चेंज क्या होता है, जस्ट जो रिएक्शन के कंप्लीशन का टाइम है, पहले अगर 10 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट होती हो रही थी तब वो हो सकता है कि 5 मिनट में हो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो, या निगेटिव है तो हो सकता है वो 15 मिनट में हो, डैट मीन्स टाइम बढ़ जाएगा बट कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छे समझ लेना, कैटलिस्ट में नो इफेक्ट है, एनर्ट गैस में कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो उधर ले जाना जिधर स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा हो रहा है। स्टॉइकोमेट्री कौन सा काउंट करना है, ओनली गैस का, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं। प्रेशर डायरेक्ट या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कराओ या वॉल्यूम डिक्रीज कराओ उधर ले जाना जिधर स्टॉइकोमेट्री कम, और कंसंट्रेशन के केस में जिस साइड कमी हो रही है उसी साइड रिएक्शन जाएगी। इन सारे केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी तक हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अब हम बात करते हैं जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रिएक्शन आपकी कैसी है, इंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये कैसे पहचानेंगे कि ए प्लस बी और रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा होगा तो डैट मीन्स ये इंडोथर्मिक है क्योंकि हीट ले रहा है, या फिर इसी रिएक्शन को ऐसे भी ले सकता है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी माइनस हीट, तो इसका मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो वही हो जाएगा प्लस हीट, तो ऐसे भी दे सकता है, या फिर रिएक्शन दे करके उसके बाद बोल दे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव में कोई वैल्यू दे दे, मान लो 40 किलो जूल पर मोल, ऐसा प्लस में वैल्यू गिवन है, तो ये सब बता रहा है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है। या फिर ग्राफ से भी पहचान सकते हैं आप, क्योंकि जो डेल्टा एच होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये पॉजिटिव कब हो सकता है जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, डैट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे अनस्टेबल होगा ये वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा, तो इस टाइप से आपको पहचान वा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि चूंकि इंडोथर्मिक है हीट रिक्वायर्ड है, तो अगर आप टेम्परेचर दोगे हीट दोगे तो ऑब्वियस बात है अगर किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो दे रहे हो तो सपोर्ट करो आगे जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी, और ये वो केस है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा और बढ़ जाएगा, पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हमने चेंज किया। सिमिलरली अगर एक्सोथर्मिक है तो वेरी सिंपल कैसे पहचानेंगे, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, प्रोडक्ट साइड में हीट प्लस में होगा या रिएक्टेंट साइड में हीट माइनस करके लिखा होगा, या फिर डेल्टा एच निगेटिव होंगे लाइक माइनस में 40 किलो जूल ऐसा करके लिखा हो, राइट, या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कम होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, डैट मीन्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से देख सकते हो ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाएंगे, तो ये सब से आप पहचान सकते हो कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट इसको चाहिए नहीं, हीट रिलीज हो रहा है, राइट, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे हीट गेन हो रहे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, टेम्परेचर की थी नहीं, आप दे रहे हो तो वेस्ट जाएगा एक तरह से समझ सकते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएंगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर किसी एक टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन हो, T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या होगा, तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H, वो आपको इंथैल्पी गिवन होगा। 2.303 क्यों लिया, क्योंकि लॉग विथ बेस 10 में ये R गैस कांस्टेंट है 1/T1 माइनस 1/T2, तो इससे हम निकाल सकते हैं। नाउ हम अब इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ एप्लीकेशन, मान लो इस टाइप से एक रिएक्शन गिवन थी, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस, तो यहाँ से क्या समझ में आया, हीलियम क्या हो गया, एनर्ट गैस हो गया ना, तो ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे ना ही प्रोडक्ट से,
तो हीलियम गैस किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आपको बता रखा हूँ नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करेंगे तो इफेक्ट होगा और उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री ज़्यादा हो। तो पहले ध्यान से देखो, कुछ नहीं मेंशन है तो मतलब सब गैस है, इधर स्टॉइकोमेट्री वन और वन तो टोटल इधर टू हो गया और इधर वन ही है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री बढ़ रहा हो। तो देख लो इधर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इधर वन इधर टू, तो रिएक्शन किधर चली जाएंगी, फॉरवर्ड में। इक्विलियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्विलियम कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, वो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में इस टाइप से रिएक्शन दे सकता है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, आपको डिफरेंट कंडीशन गिवेन है, नंबर ऑफ फैक्टर विच इंक्रीज यील्ड ऑफ एसओ थ्री, एसओ थ्री बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाना है क्योंकि एसओ थ्री किधर है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना है, उसी को बोलने का नया तरीका। अब ये केसेज को तो टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो चूंकि यहाँ पे ये डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो नहीं होगा, डिक्रीज करने पे होता है, राइट। सिमिलरली प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री कम हो रहा हो, यहाँ ध्यान से देखो स्टॉइकोमेट्री टू और इधर वन, टोटल इधर थ्री है इधर टू, राइट, सब गैस में क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री कम हो रहा है, इधर थ्री है इधर टू, तो ऑब्वियस बात है फॉरवर्ड में जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एडिशन ऑफ एसओ टू, रिएक्टेंट में ऐड कर रहा हो तो जिधर कम होगा तो कम किधर हो रहा होगा, इधर अभी बताया था, तो इसलिए ये भी हो जाएंगे एडिशन ऑफ ओ टू, अगेन इधर ऐड हो रहा है तो इधर कमी हो रही है, जिस साइड कमी हो रही है उस साइड जाना है, तो ये भी हो जाएंगे। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है ध्यान देना, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करने पे उधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री बढ़ रहा हो, तो किधर जाएगा, बैक में, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए कितने हो सकते हैं टोटल, थ्री। तो इसका आंसर इंटीजर टाइप में कितना हो जाएगा, थ्री। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, मैंने एक में लेकर के सब आपको समझा दिया है, बस रफ़ी सर का वो ट्रिक ध्यान में रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हर बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहते ही हैं। सिमिलरली इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच केस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना है, राइट, प्रोडक्ट फॉर्म होने का मतलब, और वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज, तो अभी बताया वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब क्या हो गया, प्रेशर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, हमने वॉल्यूम पे कोई केस ही नहीं लिया, डायरेक्ट प्रेशर पे लिया था, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किधर जाएगा, जिधर स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रहा हो, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जा रहा था जिधर स्टॉइकोमेट्री डिक्रीज हो रहा हो, तो यहाँ पे उल्टा किए तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आप स्टॉइकोमेट्री चेक करो, गैस 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 और ये लिक्विड है, तो ये नहीं लेना, इधर टोटल फोर हो गया, इधर फोर और फाइव नाइन है, राइट, तो किधर जाएगा जिधर स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रहा हो, तो इस साइड आएगा, राइट, इस केस में, बट हमें फॉरवर्ड में ले जाना क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में चेक करो, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये टू और इधर वन, टोटल इधर थ्री है इधर टू, तो टू से थ्री, राइट, स्टॉइकोमेट्री उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, डैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, राइट। इधर केस में देखो, इधर टू है इधर थ्री है, राइट, तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन बैक में आएंगी। और इस केस में ध्यान से देखो, सॉलिड है और गैस है, तो इधर कुछ भी नहीं है तो जीरो, और इधर वन है, तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्टॉइकोमेट्री इंक्रीज हो रही है। नाउ फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में कैसे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ फेज चेंज होंगे, राइट, केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होगा, जैसे वाटर H2 इधर भी है इधर भी है, सिर्फ यहाँ लिक्विड है तो यहाँ सॉलिड है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए वेरी सिंपल है, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते भी हो अपनी आंखों से, वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि विनो को जब मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो लिक्विड में जाएगा, राइट, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा ऑलवेज जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में जाएगा, तो लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में, राइट, ये सब जानते हैं, राइट, वेरी सिंपल। और प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो उधर ले जाना जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा हो, ये है ट्रिक का पॉइंट। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर वाटर लिक्विड से वाटर गैस, ये आपको इक्विलिब्रियम है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं तो आपको क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा तो लिक्विड गैस में जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन बताना है। प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो अभी बताया जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इधर गैस है इधर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन किधर चली जाएंगी, बैकवर्ड में, राइट, क्योंकि आपका वो उस साइड में, सिंपल।
एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड में एक्सेप्शन है। लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है सॉलिड से। अगेन इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हो आप, पानी में जब आइस को रखते हो तो वो फ्लोट करने लगता है, इसका मतलब वो कम डेंसर है। तो यहाँ पे दुनिया का एक पहला एक्सेप्शन यही है कि वाटर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर सॉलिड से, इसलिए ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको गलती होने के चांसेज है, अदरवाइज जितनी भी केसेज हैं सॉलिड ज़्यादा होगा डेंसर देन लिक्विड, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो इस पे बेस्ट प्रॉब्लम एक और मैंने यहाँ लिया है, कैसे पूछा जाएगा, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड इक्विलिब्रियम में अगर है तो टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, तो वी यू नो टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो सॉलिड लिक्विड मतलब इधर जा रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, कुछ भी आपको नहीं करना बेटा। बट प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो किधर, जिधर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा हो, चूँकि वाटर सॉलिड से ज़्यादा डेंसिटी है वाटर लिक्विड की, तो ये भी इधर की तरफ आ रहा है, तो इस केस में भी रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, बैकवर्ड में, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कंडीशन लूँ, सेम ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो राइट, तो यहाँ पर भी रिएक्शन आपका बैकवर्ड में आएगा। बट प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो जिधर डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इस साइड जाना पड़ रहा है, तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। तो यहीं पे आपको बस दिक्कत हो सकता है, उसका ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू के बारे में। डैट मीन्स क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम पे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स क्या होगा, राइट, या प्रेशर क्या होंगे, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से बहुत इजीली कर लेंगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक वो जहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू इक्विलिब्रियम पे गिवन होगी, तो इन दैट केस हमारा काम बहुत इजी हो गया है, डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रिएक्शन है, राइट, और आपको इक्विलिब्रियम पे N2 का कंसंट्रेशन गिवन है, H2 का गिवन है, NH3 का, सबका गिवन है। ये कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन होगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2, NH3 आर दिस दिस दिस। तो आपको KC का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया है, वो वैल्यू को इसमें पुट कर देना, आपको वो आ जाएगा। अगर KP पूछा तो आप एक्सप्रेशन लिखना सीख गए हो, तो प्रेशर आपको गिवन होगा इक्विलिब्रियम पे, वो पुट कर देंगे। तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप कर लोगे, बस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपको वैल्यू एट इक्विलिब्रियम नहीं गिवन हो, तो उसमें फर्दर हमने दो कंडीशन बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यही है कि अगर इक्विलिब्रियम पे वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे वैल्यू को हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, R एंड P मतलब एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या वैल्यू है, मोल्स का या कंसंट्रेशन का या प्रेशर का, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ट्रिक है उसके लिए। ये मैंने एक रिएक्शन लिया है, राइट, अगर हो सकता है कि आपको A के मोल्स गिवन है और B के मोल्स गिवन है, राइट, आपको रिएक्टेंट का मोल्स गिवन है, प्रोडक्ट का क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, मतलब क्या हो गया, 0-0। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है इनिशियली, प्रोडक्ट के बारे में नहीं गिवन है, तो 0-0। और ध्यान रहे ये मोल्स है, आपको एक स्टेप करने आना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ट्रिक का पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पे आप इस टाइप से लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, जो भी मोल्स गिवन है आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उसके अकॉर्डिंग पहले पता करें रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर मान लो प्रोडक्ट के गिवन होते तो रिएक्शन बैकवर्ड में आती, राइट, डायरेक्शन पहले पता कर लेना है। चूँकि अब ये फॉरवर्ड में जाएगी तो रिएक्टेंट कम होंगे प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसलिए हमने रिएक्टेंट के A मोल्स में से X मोल माइनस किया, लेकिन उसके आगे 2 क्यों लगाया, जो स्टोइकोमेट्री होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ, ट्रिक का यही पॉइंट है। तो A माइनस 2X, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 था तो इसलिए B माइनस X, रिएक्टेंट है तो माइनस किया, प्रोडक्ट है तो बनेंगे, कॉफिशियंट क्या है 3, तो इसलिए 3 टाइम्स ऑफ X, X मानना है कि रिएक्ट हुआ और जो जो स्टोइकोमेट्री होगी वो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा X। ये जो आपने लिखा ये कहाँ पे लिखा है, इक्विलिब्रियम पे, ये आपको एक बार लिखने आना चाहिए, ये आपको लिख लेना है। अब इसमें अननोन कौन हो गया, X, क्योंकि A भी तो आपको गिवन होगा,
एक्स कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, कैसे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज दिस, तो आपको क्या करना है इन सबको जोड़ लेना है, उसको इक्वेट कर देना उस वैल्यू से, तो अननोन आ जाएगा। या फिर दे सकता है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये है, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना आ गया, उसको पुट करके अननोन आ जाएगा। या फिर रिलेशन दे देगा कि ए का मोल्स और डी का मोल्स जो है इक्विलिब्रियम पे सेम है या टू टाइम्स है इस टाइप का, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। या इतना परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है या प्रोडक्ट फाउंड हुआ है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये अननोन निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिससे आप एक्स निकाल लेंगे। तो मेन पॉइंट इज कि ये आपको लिखना चाहिए और वेरी सिंपल है, जो मोल्स है माइनस आपका स्टॉइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक्स कर देना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मोल्स गिवन हो, राइट, जैसे कि इस केस में सबका गिवन है आपको, राइट। अब आपको इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखना है, अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले अगेन आपको पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन के बारे में फुल आइडिया दे रखा हूँ, चूँकि सबके आपको गिवन है कंसंट्रेशन या मोल्स, तो आप क्या करेंगे क्यू निकाल लेंगे और क्यू को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, तो डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर है। मैं अभी इस क्वेश्चन में सपोज कर रहा हूँ कि रिएक्शन बैक में जा रही है, तो बैक में जा रही है तो ये धीरे धीरे कम होंगे, ये रिएक्ट होंगे और ये फॉर्म्ड होंगे, तो इसलिए इधर से माइनस करना पड़ेगा। तो डी में से मैंने एक्स किया, वैसे ही बिल्कुल, और एक्स क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री वन है। फिर सी में से थ्री एक्स करना पड़ेगा, थ्री क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री थ्री है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करनी होती है। बी में आपको बी था और एक्स क्यों, क्योंकि फॉर्म होंगे और वन है इसका स्टॉइकोमेट्री यहाँ पे। और ए में टू एक्स क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री टू है, तो वेरी सिंपल है, ये आपको लिखने आना चाहिए, यही ट्रिक का पॉइंट है और वेरी सिंपल है। एक बार रिएक्शन की डायरेक्शन पता लग गई आपको, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट में माइनस कर दो एंड प्रोडक्ट में प्लस, और कितना करना है तो एक्स करते हुए चले जाना और जो स्टॉइकोमेट्री हो उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे, अगेन ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अब अगेन इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। नाउ इस टाइप के रिएक्शन का केसी आप कैसे लिखेंगे, तो वेरी सिंपल है, उसके लिए ट्रिक्स ध्यान से देखो। आपको क्या करना, ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिख लेना उसका, तो ध्यान से देखो केसी क्या होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो कंसर्न मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी माइनस एक्स पावर वन, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगेन सी का तो सी माइनस थ्री एक्स पावर थ्री स्टॉइकोमेट्री डिवाइडेड बाई बी का बी प्लस एक्स और ए का ए प्लस टू एक्स पावर टू, पावर टू करना नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये मोल्स के टर्म में ऑलवेज आपको लिख लेना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिख करके। अब अगर केसी है तो कंसंट्रेशन होगा, तो मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो इसलिए वन बाय वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी आपको निकालना बता रखा हूँ। जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूँ, तो अभी कुछ नहीं मेंशन है, तो सब गैस है, तो प्रोडक्ट में वन और थ्री फोर हो गया, माइनस रिएक्टेंट में वन और टू थ्री हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा वन। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला को बता रखा हूँ, स्टॉइकोमेट्री कोफिशिएंट लेना है प्रोडक्ट का, कौन सा वाला, सिर्फ गैस वाला, ये ध्यान रखना है, सबको ऐड कर लेना है, वैसे ही रिएक्टेंट में जितने भी गैस वाले उन सबको ऐड कर लेना है और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना है, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा। तो ऑलवेज चाहे मुझे के सी लिखना हो या फिर के पी लिखना हो, तो भी वही करना है, के पी भी लिखना हो तो मोल्स के टर्म में लिख लेना, ये पूरी वैल्यू को मैंने जेड मान लिया, राइट, मोल्स के टर्म में, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी, ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिखना है। और चूंकि प्रेशर क्या होता है, मोल बाय टोटल मोल से मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, इसलिए पी बाय एन टी, पी टोटल प्रेशर है ध्यान दें, और एन टी भी टोटल मोल से की पावर होल पावर डेल्टा एन जी, तो ऑलवेज के पी भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट मोल्स के टर्म में लिख करके पी बाई एन टी की पावर डेल्टा एन जी कर देंगे। वैसे ही मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखना हो तो भी वही सेम काम, मोल्स के टर्म में लिख करके आप आगे का वैल्यू, और चूंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो इसलिए टोटल मोल्स वन बाई एन टी की पावर डेल्टा एन जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, चाहे के सी लिखना हो, के पी या के एक्स, मोल्स के टर्म में लिखेंगे, मोल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे वो समझा दिया, उसको लिखने के बाद आप ये वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे वो बता दिया। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर सपोज करो किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एन जी जीरो है, दूसरे केस में के पी के सी के एक्स सब इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए वो आपको कंसंट्रेशन का इन्फॉर्मेशन दे और के पी पूछे, तो बच्चे फिर प्रेशर में कन्वर्ट करने लगते हैं, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, चाहे के पी निकालो, के सी निकालो, के एक्स निकालो, सब एक ही रहेगा, डेल्टा एन जी जीरो है तो इसीलिए। तो और
चूंकि डेल्टा एन जी जीरो है तो वॉल्यूम का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ओनली मोल्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। डेट मीन्स इस टाइप से आप मोल्स में निकाल करके डायरेक्ट मोल्स में सॉल्व कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर है तो क्या होगा सर, तो ये भी आपको बता रखा हूँ, डेल्टा एन जी ग्रेटर होगा तो के पी आपका के सी से बड़ा हो जाएगा, और डेल्टा एन जी अगर छोटा होगा निगेटिव आएगा तो के पी की वैल्यू छोटी हो जाएगी के सी से। तो इससे आपको आंसर का एक आइडिया होगा। तो आई होप ये मेरा पूरा पॉइंट क्लियर होगा, हम इस पर बेस एप्लीकेशन लेकर के भी आपको समझाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग वेरी सिंपल, मोल्स के टर्म में सबको लिख लेना है, चाहे वो के सी पूछे के पी पूछे के एक्स, मोल्स के टर्म में लिख करके सी पूछा है तो 1/V की पावर डेल्टा एन जी, पी पूछा है प्रेशर के टर्म में तो टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी मल्टीप्लाई कर देना है, मोल फ्रैक्शन में तो 1/ टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। और ये कैसे लिखना है तो ये आपको क्लियरली बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3 और इक्वेरियम पे सबका पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है तो केपी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन उनसे गलती हो जाती है, वो क्या, वो ध्यान नहीं देते, ये किलो पास्कल में, ये किलो पास्कल में, बट ये पास्कल में, तो इसलिए ध्यान से इसको पहले किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 0.53 किलो पास्कल। किलो पास्कल में क्यों, क्योंकि वैल्यू छोटी रहेगी तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। और केपी पूछा है तो वेरी सिंपल, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, राइट, नीचे में प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ O2। अब ये वैल्यू पुट करो तो ये 43 × 43 होगा, नीचे में 45 × 45 होगा और ये 0.53। अब कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना, आपको मालूम है ये अप्रॉक्स में 1 होता, राइट, बट ये वैल्यू बिग है तो ये 0.9 के आसपास ले लेंगे, ये भी 0.9 के आसपास, और ये 0.53 को अगर 0.5 लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, राइट। तो आप ध्यान से देखो तो 2 × 9 × 9 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10^-2, इसीलिए सब में 10^-2 है, तो सिर्फ हमें आगे की वैल्यू से मतलब था। तो ध्यान से देखो ये 9 × 9 = 81, 81 × 2 = 162, और वी नो कि इसके आसपास एक ही है ये, राइट, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं थे, ये 2 से ज़्यादा हो गया और ये 1.5 से भी कम हो चुका है, इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए होंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम, दूसरा इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन है, अगेन केसी इसका दे दिया है, इक्विलियम पे इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो मोल्स ऑफ O2 बताना है, तो अगेन इक्विलियम पे वैल्यू दे दिया है तो केसी का एक्सप्रेशन लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। कभी कभी सिंपल वे में सोचने से हो जाते हैं, कुछ बच्चे इसको x मान के करने लगते हैं, लेंदी हो जाता है वो, चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फ़ायदा हो जाएगा, के सी गिवन है तो डायरेक्ट आपको यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना जाएगा 1/10, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स निकालना O2 का तो मोल्स O2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/10 × 100, तो आंसर कितना जाए इसका बाय द वे 10। तो इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में CO2 गैस प्लस सी सॉलिड्स गिव्स यू 2CO गैस, टेम्परेचर 1000 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही थी, प्रेशर ऑफ CO2 0.5 atm है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, ध्यान दें इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 0.8 atm है, तो केपी बताना है। तो आपको बता दिया यहाँ पे कि ये 0.5 से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं तो 0, 0, राइट, उसके बाद क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे 0.5 में से अगर इसका मैं x माइनस करूँगा, सॉलिड है तो इसका कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कितना बन जाएगा 2x, डायरेक्ट हम प्रेशर में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x निकालने के लिए आपको क्या दिया है कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.5 − x + 2x शुड बी इक्वल टू कितना, 0.8, तो 0.5 + x = 0.8, तो x यहाँ से कितना आ गया 0.3, राइट, तो x 0.3 आते ही इक्विलिब्रियम पे अब ये कितना हो गया 0.2 और ये कितना हो गया 0.6, तो इसलिए केपी क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, ये पावर 2 चला जाएंगे और नीचे में 0.2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.6 × 0.2, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 × 2 = 3, 6 × 3 = 18, तो कितना आ जाएगा 1.8, ऑप्शन डी। तो ऐसे करना बहुत सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन थी आपको, केपी गिवन था, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे बताना है, ऑप्शन गिवन है, तो देखो ध्यान से, ये हेटरोजीनियस वाले ले रखे हमने दोनों क्वेश्चन, ये सॉलिड है, ए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2B गैस और C गैस, ऐसे भी दे सकता है इसी रिएक्शन को,
तो इसका तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, पहले बता रखा हूँ हेटरोजीनियस में। अब मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर अगर मैं 2p लूँगा स्टॉइकोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका प्रेशर कितना होगा p, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 2:1 का है तो राइट। और kp क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 2p का स्क्वायर इंटू p राइट, पावर स्टॉइकोमेट्री में चले जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4pq। kp आपको गिवन था 2.9 × 10⁻⁶ = 4pq, इसको सॉल्व करो तो इसको 29/10, तो ये कितना हो जाएगा 29 × 10⁻⁶ = 4pq, 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे अप्रॉक्स 7 टाइम्स में, और 3 से पावर में ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा ध्यान दे, p की पावर 3 है तो 7 की पावर 1/3 हो जाएगा, जिसको 8 ले सकते हैं, तो अप्रॉक्स में ये 2 × 10⁻²² होगा। टोटल प्रेशर हमसे पूछा गया है तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 2p + p डैट इज 3p, तो 3 × 2 × 10⁻², तो ये 6 के आसपास, ऐसा एक ऑप्शन है सी। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए सॉलिड गिव्स यू बी गैस सी गैस, इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर 10 बार है तो केपी बताना है। तो ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अगर टोटल प्रेशर है, मेंशन नहीं किया है किसका है, तो टोटल प्रेशर है 10 बार है, तो विनो इक्विलिब्रियम पे दोनों का प्रेशर सेम होगा क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1:1 है। तो अगर इसका प्रेशर एक्स है तो इसका भी एक्स है, तो x + x टोटल प्रेशर किसके बराबर है 10, तो 2x हो गया 10 के बराबर, तो x कितना आ गया 5। तो ये डी ऑप्शन मत कर देना, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, तो केपी क्या हो जाएगा x × x राइट, दैट इज x², तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 6 में H2I2 गिव्स यू 2HI राइट, वर्ड फॉर्म में था H2 का 4.5 मोल लिया गया, I2 का भी 4.5 मोल, HI के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो 0 था, वॉल्यूम 10 लीटर है, इक्विलिब्रियम पे HI का मोल 3 है तो K बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी 0 है, इसलिए KC KP KX कुछ भी हो सेम ही होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आपको बताया था, इक्विलिब्रियम पे आप लिख लो 4.5 - x, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है तो ये भी 4.5 - x राइट, तो ये कितना बन जाएगा 2x, इस बात का ध्यान रखना बस। अब आपको x निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, मोल्स ऑफ HI 3 है, HI कौन है ये, तो डैट मीन्स 2x की वैल्यू 3 हो गई, तो x कितना आ गया 1.5, तो x 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, ये 3 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, और ये भी बाय द वे 3 हो जाएगा। तो हमसे k पूछा है, k क्या हो जाएगा, kc हो या kp हो या kx सेम होंगे, डेल्टा एन जी 0 है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर / 3 राइट, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 7 में a + 2b गिव्स यू 2c + d राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b इज 1.5 टाइम्स ऑफ a राइट, इनिशियल कंडीशन, और इक्विलिब्रियम पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो k बताना है। अगेन k बोला क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, तो kc kp kx सब सेम होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि b का जो 1.5 टाइम्स ऑफ a, मतलब a का अगर 1 है तो ये 1.5 है। अब आपको बता रखा हूँ रिएक्शन आगे जाएंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो अब इसमें से 1 में से अगर x करेंगे, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 - 2x, इसका कितना बनेगा 2x, इसका कितना बनेगा x। कंडीशन क्या दिया x निकालने के लिए, कि b और a का इक्वल है, तो b और a का इक्वल है तो 1 - x should be equal to 1.5 - 2x, इधर लिया तो x = कितना जाएगा 0.5। हमने बोला था आपको x निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, x 0.5 होते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो ये कितना हो गया 0.5, ये 1.5 - 1 हो जाएगा, तो ये भी बाय द वे कितना हो जाएगा 0.5, ये 1 हो जाएगा और ये 0.5, तो k निकालना था हमें, k क्या होगा ध्यान से देखो 0.5 राइट पावर 1 इंटू ये पावर 2 करना नहीं बोलेंगे, बाय द वे यहाँ पे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉइकोमेट्री पावर में, ये 2 भी है तो ये वही पॉइंट कि 0.5 का पावर 2 हो जाएगा और ये इंटू में 0.5, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो नीचे है तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में Ab2 गैस गिव यू A गैस + 2b गैस, ये 25 लीटर के कंटेनर में हो रहा है इस टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर गिवन है राइट, टोटल प्रेशर है क्योंकि मेंशन नहीं किया किसका, 2 atm kp बताना है, और 1 मोल ऑफ Ab2 से स्टार्ट किया गया राइट, ये सब गिवन था। तो यू नो t = इक्विलिब्रियम पे आप कैसे लिखेंगे, बता रखा था 1 - x, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो इसका कितना बन जाएगा x और इसका कितना 2x,
तो टोटल मोल्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स, डैट इज कितना हो गया, ये एक्स एक्स कैंसल, तो 1 प्लस टू एक्स, ये टोटल मोल्स हो गए हमारे पास, राइट। इक्विलिब्रियम पे हम टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम गिवेन है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से। प्रेशर कितना था टोटल 280 एम, वॉल्यूम 25, एन निकालना है टोटल, आर 1/12 लेंगे कैलकुलेशन के लिए, टेम्परेचर 300, तो ये देखो 25 टू 50, 50 से ये 6 टाइम में, 6 से ये 12, तो कितना हो गया, एन 2 मोल्स हो गए, राइट। एन 2 मोल्स आ गए तो यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस 2x अगर 2 के बराबर है तो यहाँ से ध्यान से देखो तो 2x कितना हो गया 1, तो x हो गया 1/2, डैट इज 0.5, तो सबके मोल्स आ गए, ये 0.5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि x की वैल्यू ये है, ये भी 0.5 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। kp निकालना हमें, तो चाहे kp हो या kc हो या kx, आपको बता रखा हूँ, पहले मोल्स के टर्म में लिख लो, kp मोल्स के टर्म में, प्रोडक्ट में, तो 1 का स्क्वायर, एक और प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में Ab2 कितना 0.5, ये मोल्स के टर्म में लिख लिया। और P by NT टोटल प्रेशर कितना है 2, बाय टोटल मोल्स भी बाय द वे 2 है, राइट, और इसकी पावर क्या हो जाएगा डेल्टा NG, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कैंसल आउट ही हो जाएंगे सब, और डेल्टा NG इसका निकाल सकते हैं 2 और 1, 3, 3 में से एक गया तो 2, तो राइट, बाय द वे 1 का स्क्वायर है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो KP की वैल्यू हो जाएगी आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 में CO और H2O रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 और H2 दे रहा है, इसके 1-1 मोल लिए गए हैं, इक्विलिब्रियम पे 40% वाटर का बायमास रिएक्ट हुआ है, ध्यान दे 40% बायमास, तो KC बताना है, x इंटू 10 की पावर 2 है, तो x की वैल्यू, तो ध्यान से देखो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, 40% बाय मास रिएक्ट हुआ है, तो 1 मोल लिया है, तो 1 मोल का मास कितना हो गया वाटर का, ध्यान दो 18 ग्राम, 18 का 40% कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 7.2 ग्राम, तो इतना तो रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना 18 माइनस 7.2, डैट इज 10.8 ग्राम, तो मोल्स निकाल सकते हैं 10.8 बाय 18, तो कितना हो जाएगा 0.6 मोल, ये कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ है। अगेन लिखेंगे कैसे, वही बताया, 1 माइनस एक्स, इसका एक्स और एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स इसके बराबर है 0.6 के, कैसे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल बचा, राइट, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 0.4 मोल्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये तो 0.6 हो गया, ये भी बाय द वे 0.6, ये 0.4 और ये आपका 0.4, हमें केसी निकालना है, तो केसी का फॉर्मूला ये, राइट, सबका स्टॉक 1-1 है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो 2 2 द 2 3 द 2 2 द 2 3 द, राइट, तो ध्यान से देखो तो कितना हो गया 4/9, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो कितना हो जाएगा 0.4, राइट, फिर से 4, तो हमें लिखना कैसे, x इंटू 10 की पावर माइनस 2 में, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इंटीजर टाइप में आंसर कितना हो जाएगा 44। हेलो एवरीवन, कैसा का है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है, और इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लोगे एंड क्विकली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिफाइन कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स रिएक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियली मोल्स टेकन, उस रिएक्टेंट का कितना इनिशियल मोल्स आपने लिया था, तो ये डिफाइन होता है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, सपोज कर लो ये हमारी रिएक्शन है, राइट, और ए का मोल्स आपको गिवेन है, ए है इनिशियल, राइट, तो इक्विलिब्रियम पे हमें लिखने आता है, राइट, बता रखा हूँ, हमने माना कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो क्या होगा, इसके कुछ अमाउंट रिएक्ट होंगे, तो मान लिया एक्स मोल रिएक्ट हुआ, तो 1-1 कोफिशियंट है, तो इसका एक्स फॉर्म होगा और इसका भी एक्स फॉर्म होगा, तो ये जो ए माइनस एक्स हमने लिखा, इसमें एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, और ए क्या है आपका, ये वाला ए लो या ये वाला ए, ये क्या है इनिशियल मोल टेकन, इसलिए हमने क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स रिएक्टेड इज एक्स, जो सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस करते हो वही मोल्स रिएक्टेड है, डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल टेकन ए,
तो अल्फ़ा क्या हो गया, एक्स वाई है, तो यहाँ से एक्स मैं लिख सकता हूँ ए इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में क्या हो गया, जहाँ पे अब हम एक्स लिखते थे वहाँ पे एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए अल्फ़ा, राइट। जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, जीरो से वन के बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, हम ऑलरेडी माइनस एक्स करके कर रहे थे, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान से देखो। पहला तो ऑब्वियस सी बात है, इजी इन सॉल्विंग, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। सेकंड थिंग कि इसमें हमें इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू अभी मैं दिखाऊंगा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनिशियल मोल आपने कितना लिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कुछ भी लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये आप कंसेप्ट कहाँ पर लगाएंगे, तो वहाँ पर जहाँ पर रिएक्टेंट एक हो बट प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें केपी लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर केपी आपका फंक्शन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम केपी में लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिया है, यही दो रिएक्शन 99% पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना, यही दो रिएक्शन पूछे जाते हैं, अदर कोई रिएक्शन हो तो भी कर सकते हैं, कैसे करना वैसे ही सेम। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ए गिव्स यू बी प्लस सी, राइट, जैसे PCl5 गिव्स यू PCl3 + Cl2, ऐसे भी लिख सकता, मैंने इन जनरल ले लिया। मान लिया ए का ए मोल्स है, बी का जीरो और सी का जीरो है, तो अभी सिर्फ ए प्रेजेंट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी, तो हमने माना इक्विलिब्रियम पे इसका एक्स मोल रिएक्ट हो रहा है, तो ए माइनस एक्स और एक्स एक्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री सबका क्या है, वन है, राइट। अब यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए अल्फ़ा, तो ए माइनस ए अल्फ़ा ए अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। टोटल मोल्स इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल मोल्स, तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक कैंसिल हो जाएंगे, ए अल्फ़ा और सिर्फ ए प्लस ए अल्फ़ा बचेगा, जिसमें ए कॉमन लूँगा तो 1 + α आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज केपी, तो हमने आपको बताया था केपी आप कैसे लिखेंगे, मोल्स के टर्म में, तो देख लो प्रोडक्ट कौन है, ए अल्फा ए अल्फा, तो ये रखा पावर 1, 1, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1, 1 है, और रिएक्टेंट का ए माइनस ए अल्फा, जिसको ए इंटू 1 - α लिख सकते हैं, ये मोल्स के टर्म में हो गए, और पी बाई टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना, ध्यान से देखो 1, कैसे 2 - 1, 1 हो गया, तो इसलिए P पे पावर 1 और इन सब पे भी पावर क्या, 1, P बाय ये P टोटल प्रेशर है, डेल्टा एन जी चूँकि तो 1 ही हो गया, इसलिए P की पावर 1 हो गया, और टोटल मोल्स निकाल चुके हैं ए इंटू 1 + α, तो यहाँ से ध्यान से देखो A A से ये कैंसिल हो जाएंगे, यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा, वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो सिर्फ क्या बच गया आपका, अल्फ़ा स्क्वायर पी अपॉन 1 - α केपी इज इक्वल टू, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ये याद ही रख लो कि ए गिव्स यू बी प्लस सी के केस में अल्फ़ा स्क्वायर पी अपॉन 1 - α2। इसको फर्दर आगे कैसे पूछा जा सकता है कि अगर अल्फ़ा 1 से वेरी वेरी लेस है तो 1 - α2 अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो के पी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर पी, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, के पी बाई पी की पावर हाफ, या रूट अंडर हम लगा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वन टाइप हुआ। दूसरा, ए गिव्स यू टू बी, डेट मीन्स स्टोइकोमेट्री इधर 1 है इधर 2, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। अगेन इसका ए मोल्स लिया 0, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगे, ए माइनस एक्स तो इसका 2x, एक्स की जगह ए अल्फा तो 2α, डेट मीन्स इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने अल्फा मान रखा है, राइट। टोटल मोल्स अगेन सबको ऐड कर देंगे तो ए इंटू 1 + α ही आ जाएगा इस केस में। के पी मोल्स के टर्म में लिख दो, 2α, पावर 2 करना नहीं भूलेंगे, राइट, स्टोइकोमेट्री पावर में, और नीचे में ए इंटू 1 - α, टोटल प्रेशर हो गया, और टोटल मोल्स अगेन ए इंटू 1 + α, डेल्टा एन जी इसका भी ध्यान से देखो तो 1 ही है, राइट, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4α² p / 1 - α², तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो 2 था आगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बाकी चीज़ें सेम है, ध्यान से देखो बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये 4 एक्स्ट्रा आ गया है, और इसलिए क्योंकि 2 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए नहीं आया, राइट। और अगेन भाई अल्फ़ा अगर वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो ये तो 1 हो जाएंगे, तो के पी 4α² p हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, के पी बाई 4, ये 4 चलते रहेंगे, पावर हाफ। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपको कि इस टाइप से करना है, 99% क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से फंसेंगे, अदर कोई भी हो तो आपको ऐसे ही करके चलना है,
फ़ायदा क्या हुआ, केपी फंक्शन ऑफ क्या है, ध्यान से देखो, अल्फा एंड टोटल प्रेशर, डिग्री ऑफ रिसेशन और टोटल प्रेशर मालूम है तो हमें केपी मालूम है। अब इसमें तीन वेरिएबल है, कोई दो दे करके तीसरा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर वन में ए गिव्स यू बी प्लस सी बाई टू, अल्फा और के का रिलेशन बताना था, ऑप्शन गिवेन है। तो आपको बता रखा हूँ कि इस रिएक्शन का अगर मैं के लिखूँ अल्फा के टर्म में तो मोल्स का कुछ टर्म आएगा और पी बाई एन टी टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी आएगा। मैं डायरेक्ट पी को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि पी का पावर सब में क्या है, डिफरेंट है, इसलिए एग्जाम में आपके माइंड को प्रेजेंट रखना पड़ेगा बेटा, पहले तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो यू नो डेल्टा एन जी, अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी इसका आ जाएगा हाफ, डैट मीन्स एक बात क्लियर है, पी पे पावर आएगा कितना, हाफ। तो ऐसा एक ही ऑप्शन ऑप्शन है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे आपको थिंक करना है, राइट। दूसरा ये कि सर सॉल्व करके बताओ, तो वेरी सिंपल है, ए गिव्स यू बी प्लस हाफ सी है, राइट, इसका ए होगा तो जीरो जीरो, ये ए माइनस ए अल्फा तो ये हो जाएगा ए अल्फा और ये ए अल्फा बाई टू, राइट। तो यहाँ से टोटल मोल्स आपको कितना आ जाएगा, ए अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो ए इंटू वन प्लस अल्फा बाई टू हो जाएंगे। और वही के पी आप कैसे लिखेंगे आपको मालूम ही है, मोल्स के टर्म में, बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पे ए अल्फा बाई टू का पावर हाफ करना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे ए अल्फा की पावर वन हो जाएगा, नीचे में ए इंटू वन माइनस अल्फा हो जाएंगे और पी बाई एन टी वही प्रेशर और टोटल मोल्स आप निकाल चुके हो, ए इंटू वन प्लस अल्फा बाई टू और इन सब पे पावर डेल्टा एन जी हाफ। तो यहाँ से करोगे तो यही आ जाएगा। तो देखो इतने कैलकुलेशन से कैसे आपको बचा है, ऐसे थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन ध्यान से देखो, N2O4 गिव्स यू 2NO2, डेट मीन्स ए गिव्स यू 2B टाइप है ये, राइट। KP गिवन था, परसेंटेज अल्फा पूछा है, 0.5 ATM प्रेशर है टोटल। तो आपको बता रखा हूँ इसका डायरेक्ट KP, आप ध्यान रखो 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, KP आपको गिवन है 2, ये हो गया 4, अल्फा स्क्वायर पी आपका 1/2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 0.5 ATM है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे सब, राइट। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, 1/√2, राइट। 1/√2 कितना हो गया, ये ध्यान से देखो 1/1.4, राइट। अगर मैं इसको 1.5 भी लेता तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एनी हाउ ये कितना हो गया, 10/14, परसेंटेज की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 100, राइट। तो 14/7=98, मतलब 70% के आसपास, ऐसा एक ही ऑप्शन है। ऑलवेज आपको ऑप्शन से जाना बेटा, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरीके से गिवन होंगे कि आप अप्रॉक्स करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 ऑफ कंसंट्रेशन गिवन था C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, A2B3 कैसे ब्रेक होगा 2A और 3B में, राइट। इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 0-0 जाएंगे, C में से ये C अल्फा गया तो ये 2C अल्फा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2 है, ये 3C अल्फा। तो K इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखेंगे, 2C अल्फा का पावर 2, क्योंकि स्टोइकोमेट्री पावर में जाएगा, फिर 3C अल्फा का पावर 3, नीचे में C इंटू 1 माइनस अल्फा, चूँकि जो अल्फा होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, इसीलिए 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, C की पावर 5, अल्फा की पावर 5/C, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अल्फा जो हो जाएगा ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो K/, राइट, ये 108 C की पावर 4 और इसकी पावर 1/5, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन B। इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप ध्यान से देखो तो सब में कॉफिशेंट जो है वो अलग अलग है, एग्जाम में आपको ऐसे थिंक करने था। और चूंकि ये 2 और 3 में है, तो ये 3 का पावर 3 तो 27, 2 का पावर 2 तो 4, 27 इंटू 4 कितना हो गया, 108, ऐसा एक ही ऑप्शन में था, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में x गिव यू y प्लस z, KP उसका गिवन है, a गिव्स यू 2B, उसका भी KP गिवन है, दोनों रिएक्शन का अल्फा सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तो प्रेशर का रेशियो बताना है। तो आपको बता रखा हूँ ऐसे रिएक्शन का KP डायरेक्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर p / 1 - अल्फा स्क्वायर, राइट।
और इस रिएक्शन का आपका केपी क्या था, इसको वन बोला उसने, इसको टू, तो फोर अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो, तो केपी वन बाई केपी टू इज इक्वल टू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अल्फा सेम है, और ये प्रेशर पी वन कर दो, इसको पी टू कर दो, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी वन बाई फोर पी टू, राइट। और ये गिवन आपको के पी वन जो है वो थ्री है, बाई वन इज इक्वल टू पी वन बाई फोर पी टू, इसलिए पी वन बाई पी टू, ये फोर मल्टीप्लाई जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व इज टू वन, तो ये रेशियो आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में ए सॉलिड गिव्स यू बी गैस सी गैस के पी वन एक्स है, डी सॉलिड गिव्स यू सी गैस ई गैस के पी टू वाई है, तो टोटल प्रेशर आपको बताना है जब दोनों सॉलिड एक साथ डिसोसिएट होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे ये सॉलिड से गैस मिल रहा है, तो आप वो वाला मत लगा देना कि सर के पी वन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपन वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये अभी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। तो राइट, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ए सॉलिड से आपको क्या मिल रहा है, बी गैस और सी गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी वन है, तो अगर मैं इसका तो कुछ प्रेशर नहीं लेंगे, सॉलिड का आपको बता रखा हूँ, इसका प्रेशर अगर पी वन है तो वन इज टू वन रेशियो इक्विलिब्रियम पे इसका भी प्रेशर पी वन होगा। दूसरा रिएक्शन लिख लो आप, डी सॉलिड्स गिव्स यू सी गैस अगेन और ई गैस अगेन, इसका के पी आपको गिवन है, डेट इज के पी टू, हियर इज एक्स और हियर इज वाई, ध्यान से देखो तो ये अगेन सॉलिड है, इक्विलिब्रियम पे अगर इसका प्रेशर P2 लेता हूँ तो इसका भी P2 होगा क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1-1 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे C जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर और यहाँ पे P2, तो इसलिए C का ओवरऑल कितना हो जाएगा, P2 प्लस P1, इधर P1 प्लस P2, बस ये ध्यान देना है C का, क्योंकि दोनों एक ही साथ हो रही हैं तो दोनों का प्रेशर सेम होगा तो ऐड हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना था। तो यहाँ से के पी वन में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसका प्रेशर पी वन इंटू पी वन प्लस पी टू, यहाँ से के पी टू में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ये, तो अगेन पी टू पी वन प्लस पी टू, राइट। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ध्यान से देखो, के पी वन प्लस के पी टू, राइट, तो इसमें ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू का स्क्वायर, राइट, दो बार इंटू में आ जाएंगे, और ये आपको गिवन है, डेट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू का स्क्वायर, इसीलिए पी वन प्लस पी टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ हमसे टोटल प्रेशर पूछा गया, टोटल प्रेशर क्या क्या होगा, पी टोटल क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी प्लस प्रेशर ऑफ ई, प्रेशर ऑफ बी आप ध्यान से देख दो कितना है, पी वन, प्रेशर ऑफ सी पी वन प्लस पी टू है, और प्रेशर ऑफ ई अगेन पी टू है, तो ध्यान से देखो तो ये टू टाइम्स ऑफ पी वन प्लस पी टू है, राइट, और पी वन पी टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस वाई, डेट इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, मान लो इस टाइप से कोई रिएक्शन गिवन हो जहाँ पे स्टोइकोमेट्री कुछ आ रहा हो ऑलरेडी रिएक्टेंट में, तो ऐसे केस में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर किसी ने a माइनस टू ए अल्फ़ा लिखा तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री ये टू लिया, राइट, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए अल्फ़ा, यहाँ ए अल्फ़ा, राइट, और यहाँ में टू ए अल्फ़ा, तो यहाँ पर अगर मैं डी ओ डी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूँ तो रिएक्ट कितना हुआ आपका, ध्यान से देखें, टू ए अल्फ़ा, और लिया था कितना आपने, इनिशियल ए, तो यहाँ पे एक्चुअली में डी ओ डी आपने कितना लिया है, टू अल्फ़ा, ये ध्यान रखना, अल्फ़ा नहीं लिया। अगर किसी ने ऐसे लिखा ए अल्फ़ा, तो देखो टू से इसका वन मिल रहा है, राइट, हाफ हो रहा है, तो ए अल्फ़ा, तो यहाँ पे ए अल्फ़ा बाई टू लिखना पड़ेगा, ये गलती करते बच्चे, ये ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा, इसका भी ए अल्फ़ा बाई टू, इसके टू से टू, तो ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा, तो अब यहाँ पे अगर डी ओ डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिएक्ट मेरा कितना हुआ, ए अल्फ़ा इनिशियल ए, तो यहाँ पे डी ओ डी अल्फ़ा है, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करने आना चाहिए, स्टोइकोमेट्री का खास ध्यान रखना है। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, अब आप इस पर बेस्ड किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। थैंक यू।